महाजनपद काल में बिहार। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को हेनसांग चिनन्पो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला आर्य राजा तितुची था। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी में आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर शामिल थे। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, दृढ़वर्मन तथा ब्रह्मादत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मादत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राजशब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। इसमें सात्रिक या ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली के नगर वधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था।